to wear a pant and a crop top, but I wanted to give out a message also, like, because everything in the media that says like Hindu Muslim ka itna chal raha hai na, so I just wore a locket with the symbol of Allah and Om together. मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ सबसे. मान लो हम सब इस्लाम अपना ले, पूरी ह्यूमन काइंड इस्लाम अपना ले या हिंदुइज्म अपना ले या क्रिश्चियनिटी अपना ले, इससे फ़ायदा क्या है? इंसानियत को कोई फ़ायदा होगा? ह्यूमन काइंड को क्या? अगर हम सब हिंदू बन गए, सब मुस्लिम बन गए, सब क्रिश्चियन बन गए, तो क्या उसके बाद हम क्या कुछ, मतलब बनने के बाद क्या हम फ्लाइंग प्लेन इन्वेंट कर पाएंगे? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ रिलीजन? आई वांट टू नोट ह्यूमन काइंड. नन, नन एट ऑल बेनिफिट. आई डोंट नो व्हाई आर वी गोइंग बैकवर्ड्स. वी शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन टेक्नोलॉजी, साइंस, एजुकेशन, अदर थिंग्स, बट वी जस्ट स्टक इन रिवर्स, मैन. What do you think about the politician, जिस तरह से वो भाषण देते हैं और हिंदू, ये हिंदुइज्म फैलाते हैं, फिर मुस्लिम लोग उस तरीके से वो, नॉट जस्ट हिंदू, मुस्लिम लीडर्स ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ शिट, दे स्पीक शिट लाइक इस्लाम को बढ़ावा दो. सो माय प्रॉब्लम इज नॉट विद रिलीजन, माय प्रॉब्लम इज विद एक्सट्रीमिज्म. एक्सट्रीम किसी भी चीज़ का इट्स नॉट गुड फॉर यू. रिलीजन्स वॉज सपोज टू बी, दे वॉज सपोज फॉर द, मतलब वो मैनकाइंड की यू नो बेनिफिट के लिए बने थे, बट अगर आप वही चीज़ आपको मार रही है तो क्या फ़ायदा है, ये बताओ. What do you think about caste system? यार क्या हुआ ना, इंसान कभी दूसरे से अग्री कर ही नहीं सकता है. ये तो तुम हिस्ट्री उठा के देख लो, अग्री नहीं हुए तभी रिलीजन आए, अब रिलीजन में भी अग्री नहीं हुए तो कास्ट बन गया. अब ऐसा नहीं कि जो कास्ट वाले हैं आपस में एक कास्ट के वो भी साथ रह रहे हैं, ऐसा नहीं है. I don't believe in anything that differentiates a man from another man. I don't believe in patriarchy. I don't believe in caste system. I don't believe in religions. I don't, pata nahi yaar, I don't believe in all this bullshit. So, क्या आपको लगता है ये कहाँ पे हम लोग lack कर पा रहे हैं, lack हो रहा है ये इंडिया में, क्या कुछ लगता है? इंडिया ही नहीं, आई थिंक इट्स वर्ल्ड वाइड. अगर आप अमेरिका को उठा के देख लो तो हाल ही में वाइट सुप्रीमेसी बहुत ज़्यादा आ गई थी, एज इन कि यू नो वाइट्स आर बेटर देन द ब्लैक्स और द मैक्सिकन्स और वट एवर. सो इट्स जस्ट यू नो पीपल, लाइक मोस्ट ऑफ अस वी आर फॉलोअर्स, नॉट एवरी वन कैन बी अ लीडर एंड वी नीड अ थॉट प्रोसेस टू फॉलो. सो पॉलिटिशियंस आर फीडिंग अस दैट फॉर देयर ओन बेनिफिट एंड वी आर जस्ट टेकिंग दैट इन. तो सबसे ज़्यादा फॉल्ट किसकी लगती है, या फिर क्या कुछ और बताना चाहेंगी? सबसे ज़्यादा फॉल्ट मुझे लगती है एजुकेशन सिस्टम की, which is not right. I feel like people should be more educated also. Schools mein bhi bahut aisi cheeze sikhani chahiye. So I feel it's the lack of education, that's the fault. Thank you so much. Aap education ki baat kiye, kabhi Karnataka government jo Supreme Court ne job ko leke bole abhi se jaldi khatam nahi kare, student ko bahut samasya ho rahi hai exam ke liye. मैंने अपने व्यूज काफ़ी ओपन रखे हैं, दैट आई सपोर्ट दैट अ वुमेन शुड बी एबल टू वेयर वट एवर शी वॉन्ट्स, एंड इट्स नॉट इवन अबाउट हिजाब. यू कैन नॉट डिनाई हर एजुकेशन, डोंट डिनाई अ वुमेन एजुकेशन, बिकॉज वॉजन दैट आर मेन मोटो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. आप बेटी को कैसे पढ़ने से रोक सकते हो? ऑफकोर्स आई अंडरस्टैंड बुरका जो पूरा कवर होता है उससे अगर प्रॉब्लम हो रही है, दैट आई अंडरस्टैंड कि आप वो हटा दो, बट If she just wants to cover her hair, maybe that's fine. I feel if I can wear whatever the fuck I want, then they should also be allowed to wear whatever the fuck they want. Thank you. Hey, देखो थोड़ा सा एक बाइट ले रही हूँ. कोई खाएगा वड़ा पाव? तू खाएगा? नहीं. Thank you. खाएगा? एक है उसमें. नहीं खा लो. नहीं खाते. आप खा लो. आप खा लो. हम लोग खा लिए. एक सेकेंड यार, इसको लगा होगा.
अपने सेंटर दिया।